दोस्तों रोजाना गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें। दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए 30 जुलाई से 5 अगस्त तक की 8 बड़ी भर्तियों की अपडेट लेके आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, इन फॉर्म को भरना बिल्कुल मत भूलिएगा, सुनहरा अवसर निकला है। 8वीं 10वीं और 12वीं पास कैंडिडेट इन भर्तियों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया से मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट इन फॉर्म को भर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे कि किन किन 8 विभागों के अंतर्गत ये भर्तियाँ निकली है, किस पोस्ट के लिए कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे आप इन भर्तियों की ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं 30 जुलाई से 5 अगस्त 2022 तक की टॉप 8 भर्तियों की पूरी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, जो यहाँ पर इसमें फर्स्ट नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में, सीमा सुरक्षा बल BSF के अंतर्गत ये भर्ती निकली है। हेड कांस्टेबल और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ASI स्टेनो की पोस्ट है। 323 टोटल वैकेंसी यहाँ पर इसके लिए निकली है। बात अगर डेट की जाए तो आवेदन इसके लिए अगस्त से शुरू होंगे, लास्ट डेट सितंबर 2022 है। लेवल 5 और लेवल 4 के अंतर्गत सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। 12वीं पास कैंडिडेट इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 18 से 25 वर्ष है। जनरल OBC WS के लिए ₹200 फीस है। ST फीमेल को फीस जमा नहीं करनी होगी। सिलेक्शन होगा रिटर्न टेस्ट, फिजिकल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट और मेडिकल टेस्ट के आधार पर। ऑनलाइन आप ऑल इंडिया से आवेदन कर सकते हो recruit.bsf.gov.in पोर्टल से। उसके बाद दोस्तों जो यहाँ पर सेकंड नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है इंडियन आर्मी में, भारतीय सेना में भर्ती निकली है। NCC स्पेशल एंट्री स्कीम कोर्स और JAG कोर्स के माध्यम से भर्ती की जाएगी। यहाँ पर डेट की अगर बात की जाए तो NCC स्पेशल एंट्री के लिए 17 अगस्त से 15 सितंबर तक आप आवेदन कर सकते हो और JAG कोर्स के लिए 24 अगस्त से 22 सितंबर तक आप आवेदन कर सकते हो। लेवल 10 के अंतर्गत सैलरी है। ग्रेजुएट डिग्री और LLB डिग्री से आप अप्लाई कर सकते हो। 19 से 25, 21 से 27 वर्ष आयु सीमा है। फीस जमा नहीं करनी होगी। PTSSB इंटर मेडिकल एग्जाम से चयन होगा। ऑनलाइन आप ऑल इंडिया से आवेदन कर सकते हो joinindianarmy.nic.in पोर्टल से। उसके बाद दोस्तों जो यहाँ पर थर्ड नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है ITBP में, असिस्टेंट कमांडेंट ट्रांसपोर्ट की पोस्ट है। 11 अगस्त से 9 सितंबर तक आप आवेदन कर सकते हो। लेवल 10 के अंतर्गत सैलरी है। बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग और बैचलर डिग्री इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से आप अप्लाई कर सकते हो। मैक्सिमम 30 वर्ष आयु सीमा है। ₹400 फीस है। SST फीमेल को फीस जमा नहीं करनी होगी। फिजिकल रिटर्न मेडिकल से चयन होगा। ऑनलाइन आप ऑल इंडिया से आवेदन कर सकते हो recruitment.itbpolice.nic.in पोर्टल से। उसके बाद दोस्तों जो यहाँ पर फोर्थ नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है इंडियन आर्मी में, भारतीय सेना में शॉर्ट सर्विस कमीशन SSC कोर्स के माध्यम से भर्ती की जाएगी। 191 वैकेंसीज निकली है। 24 अगस्त तक आप आवेदन कर सकते हो। लेवल 10 के अंतर्गत सैलरी है। डिग्री इंजीनियरिंग से आप अप्लाई कर सकते हो। 20 से 27 वर्ष आयु सीमा है। फीस जमा नहीं करनी होगी। PTSSB इंटर मेडिकल एग्जाम से चयन होगा। ऑनलाइन आप ऑल इंडिया से आवेदन कर सकते हो joinindianarmy.nic.in पोर्टल से। उसके बाद दोस्तों जो यहाँ पर 5 नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है ITBP में। ये भर्ती भी ITBP में सब इंस्पेक्टर SI के लिए निकली है। 14 अगस्त तक आप आवेदन कर सकते हो। लेवल 6 के अंतर्गत सैलरी है। 10th पास डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग से आप अप्लाई कर सकते हो। 20 से 25 वर्ष आयु सीमा है। ₹100 फीस है। SST फीमेल को शुल्क जमा नहीं करना होगा। फिजिकल मेडिकल रिटर्न से चयन होगा। ऑनलाइन आप ऑल इंडिया से आवेदन कर सकते हो recruitment.itbpolice.nic.in पोर्टल से। उसके बाद दोस्तों जो 6 नंबर पर जॉब निकली है वो भी भारतीय सेना में इंडियन आर्मी में निकली है। डेंटल कोप्स मेल और फीमेल की भर्ती है। वैकेंसीज आप नोटिस से चेक कर सकते हो। 14 अगस्त तक आवेदन कर सकते हो। ₹72,000 सैलरी है। BDS या MDS डिग्री से आप अप्लाई कर सकते हो। मैक्सिमम 45 वर्ष आयु सीमा है। फीस जमा नहीं करनी होगी। शॉर्ट लिस्टिंग और SSB एग्जाम इंटरव्यू मेडिकल टेस्ट के आधार पर चयन होगा। ऑनलाइन आप ऑल इंडिया से आवेदन कर सकते हो joinindianarmy.nic.in पोर्टल से। उसके बाद दोस्तों जो यहाँ पर 7 नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट में,
भारतीय डाक विभाग में स्टाफ कार ड्राइवर की पोस्ट है। 12 अगस्त तक आवेदन कर सकते हो। 19,900 सैलरी है। 10वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम 56 वर्ष आयु सीमा है। फीस जमा नहीं करनी होगी, ना ही एग्जाम देना होगा। ट्रेड टेस्ट और ड्राइविंग टेस्ट के आधार पर चयन होगा। ऑफलाइन आवेदन कर सकते हो। चेन्नई जॉब लोकेशन है। ऑल इंडिया से आवेदन कर सकते हो। इंडिया पोस्ट डॉट जीओवी डॉट इन पोर्टल से आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो 8 और लास्ट नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट में, नाबार्ड के अंतर्गत ये भर्ती है। पोस्ट है ऑफिसर इन ग्रेड ए की। 170 वैकेंसीज निकली है। 7 अगस्त तक आवेदन कर सकते हो। 28,150 से 55,600 सैलरी है। बैचलर डिग्री से आप अप्लाई कर सकते हो। 21 से 30 वर्ष आयु सीमा है। 800, 150, 750, 100 रुपये फीस है। प्री एग्जाम, मेन एग्जाम, इंटरव्यू से चयन होगा। ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। ऑल इंडिया से आवेदन कर सकते हो nabard.org पोर्टल से। तो दोस्तों ये थी 30 जुलाई से 5 अगस्त 2022 तक की टॉप 8 भर्तियों की पूरी जानकारी। अगर आपको भिन्न भर्तियों के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहीं से किसी भी भर्ती की नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो और अप्लाई भी यहीं से कर सकते हो। लिंक यहीं पर आपको प्रोवाइड करा दिए गए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम डेली गवर्नमेंट जॉब्स की ऐसी ही बिग अपडेट अपलोड करते हैं।